दोस्तों, हम सभी ने रामायण और महाभारत को टेलीविजन के माध्यम से कभी न कभी तो देखा होगा। संपूर्ण रामायण और महाभारत देखने के बाद भी कुछ ऐसी घटनाएं रामायण और महाभारत में घटी गई हैं, जिसके बारे में हमें टीवी के माध्यम से नहीं बताया गया है, लेकिन उन घटनाओं का जिक्र हमें पुराणों में देखने को मिल जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम रामायण से जुड़े कुछ ऐसे ही रहस्यों के बारे में आपको बताने वाले हैं, जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, और इन सभी रहस्यों को जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जिसको आप मिस कर देंगे। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम सभी ये तो जानते हैं कि रामायण में राम जी के तीन भाई थे, जिसमें से लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न शामिल हैं। लेकिन ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि राम जी की एक बड़ी बहन भी थी, और उस बहन का नाम शांता था। पौराणिक कथाओं के अनुसार अंग देश के एक राजा थे, जिनकी कोई भी संतान नहीं थी। लेकिन जब उन्होंने अपना दुख दशरथ जी को बताया, तो महाराज दशरथ ने अपनी पुत्री शांता को अंग देश के राजा को गोद दे दिया था। दोस्तों, आप लोग ये तो जानते ही होंगे कि भगवान राम ने बाली का वध किया था, लेकिन ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि श्री राम का वध भी बाली ने ही किया था। दरअसल बाली ने अगले जन्म में श्री कृष्ण को अपने तीर से मारा था, क्योंकि भगवान राम ने धोखे से बाली का वध किया था। इसी प्रकार अगले जन्म में बाली ने धोखे से श्री कृष्ण का वध कर दिया था। ये बात दोस्तों बहुत ही कम लोग जानते हैं। और दोस्तों, ये बात सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि रावण ने सूपनखा के पति दुष्ट बुद्धि को युद्ध में मार दिया था, और इसी वजह से सूपनखा ने मन ही मन में रावण को श्राप दिया था कि रावण की मृत्यु का कारण एक स्त्री होगी। दोस्तों, हम सभी ये तो जानते हैं कि लक्ष्मण जी 14 साल तक वनवास में रहे थे, लेकिन ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि लक्ष्मण जी 14 साल के वनवास में एक बार भी नहीं सोए थे, क्योंकि लक्ष्मण ने सोने की देवी इंद्रा जी से वरदान लिया था कि उन्हें 14 वर्षों तक बिल्कुल भी नींद ना आए, ताकि वो अपने बड़े भाई और सीता माता का ख्याल रख सकें। और उनके बदले की नींद उनकी पत्नी उर्मिला को मिली थी, जो कि 14 सालों तक सोती रही थी। और दोस्तों, ये बात भी बहुत कम लोग जानते हैं कि श्री राम जी ने ही लक्ष्मण को मृत्यु दंड दिया था। दरअसल जब यमराज श्री राम से मिलने के लिए धरती पर आए थे, तो यमराज जी ने ये शर्त रखी थी कि अगर कोई भी हमें बातें करते हुए देख लेता है तो श्री राम उसे मृत्युदंड दे देंगे, क्योंकि ये कहा जाता है कि वो बात बहुत ही गोपनीय थी। लेकिन लक्ष्मण मजबूरी के कारण उस बीच बैठक में आ जाते हैं, उसके बाद श्री राम उन्हें मृत्युदंड देने पर मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों, ये बात बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि रामायण के हर हजार श्लोक के बाद जो पहला अक्षर आता है उसे गायत्री मंत्र बना है। दरअसल गायत्री मंत्र 24 अक्षर का होता है, और वाल्मीकि रामायण 24,000 श्लोकों से मिलकर बनी है, और रामायण के हर हजार श्लोक के बाद जो पहला अक्षर आता है उसी से गायत्री मंत्र बनाया गया था। और गायत्री मंत्र इस रामायण का एक पवित्र महाकाव्य का सार है, और गायत्री मंत्र का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में किया गया था। दोस्तों, हम सभी ये तो जानते हैं कि राम विष्णु जी का अवतार थे और लक्ष्मण शेषनाग जी का अवतार, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भरत और शत्रुघ्न आखिर किसके अवतार थे? दोस्तों, पुराणों के अनुसार भरत सुदर्शन चक्र और शत्रुघ्न शंखचैल के अवतार माने जाते हैं। दोस्तों, हम सभी ये तो जानते हैं कि माता सीता का विवाह उसी से होना था जो भगवान शिव के उस धनुष को उठा लेता, और श्री राम ने उस धनुष को उठाकर सीता माता से विवाह किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं उस धनुष का नाम क्या था? और अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, उस धनुष का नाम पिनाक था। दोस्तों, राम, लक्ष्मण और सीता 14 वर्ष के लिए वनवास में गए थे, लेकिन क्या आप जानते हैं वो 14 वर्षों तक जिस वन में रहे थे वो वन कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, पुराणों में ये बताया गया है कि जिस वन में राम, सीता और लक्ष्मण ने अपना वनवास बिताया था, वो वन लगभग 35,600 वर्ग मील तक फैला हुआ था, और आज के समय में उस स्थान पर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश आते हैं। और उस समय में इस एरिया को एक भयंकर राक्षस का घर माना जाता था, और उस समय इस जगह का नाम दंडकारण्य था, जिसका अर्थ है सजा देने वाला वन, यानी कि जो इस जंगल से गुजरता था उसके प्राण संकट में रहते थे, क्योंकि उस समय के राक्षस नरभक्षी हुआ करते थे जो कि इंसानों का खून पीते थे। बाकी दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, और अगर आज की इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।